सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस, फर्स्ट टॉपिक मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने पढ़ा था स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। फर्स्ट मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स इंट्रोडक्शन एंड बेसिक प्रिंसिपल्स। इंट्रोडक्शन इन दिस वीडियो वी डिस्कस द स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड प्रीवियस लेक्चर। इन स्लोप डिफ्लेक्शन एनालिसिस द अननोन्स डिस्प्लेसमेंट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन आर रिलेटेड टू अप्लाइड द लोडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड्स result in the set of simultaneously equations of unknown displacement। तो वहां पर अपनी जो simultaneously displacement equation थी उसको solve करेंगे अपन slope deflection से fix end moment निकाल लेते थे। अब यहाँ पर क्या है कि जो moment distribution है ये आपका बहुत simple method है, कोई भी आपकी frame structure है या continuous beam है उसको आप जल्दी से और सिंपल वे में आसानी से उसके फिक्स्ड मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या है कि अपने जो स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर का जो एनालिसिस करते हैं तो आजकल तो जो सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर से अपन सीधे डायरेक्टली आपने स्ट्रक्चर बनाया उस पर लोड अप्लाइड किया। लोड अप्लाइड करने के बाद में जैसे ही अपन उसके एनालिसिस पर जाके क्लिक करेंगे तो एनालिसिस में आप शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डिफ्लेक्शन एंड डिफ्लेक्शन से आपको ऑटोमेटिक आपका जो सॉफ्टवेयर है उसके रिजल्ट्स दे देगा। बट अपने पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, आपकी सिंपल बिल्डिंग है, सिंपल बिल्डिंग के लिए क्या करोगे आप मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अप्लाई करके और उसके आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। फर्स्ट आपकी कुछ साइन कन्वर्जेंस हैं, जब आप बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हो तो एम ए बी जो आपका एम ए बी आता है तो लेफ्ट साइड में मैंने बताया था स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में यदि लेफ्ट साइड में आपका नेगेटिव है तो आपका कहाँ बनेगा बीम के ऊपर और आपका राइट साइड में पॉजिटिव है तो आपका बीम के ऊपर। यदि आपका साइन कन्वर्जन ये है कि लेफ्ट साइड में आपका पॉजिटिव है तो बीम के नीचे बनेगा और राइट साइड में भी आपका पॉजिटिव है तो बीम के ऊपर बनेगा। नेक्स्ट है आपका लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव, पॉजिटिव आपका कहाँ बनेगा नीचे और राइट साइड में आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, नेगेटिव आपका कहाँ बनेगा नीचे। जस्ट नेक्स्ट आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट है ए पॉइंट पर, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है आपका नेगेटिव, नेगेटिव आपका लेफ्ट साइड में कहाँ बनता है बीम के अबव और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट है आपका नेगेटिव है और नेगेटिव यदि राइट साइड में है तो वो आपका कहाँ बनेगा बीम के बिलो। तो ये है आपके साइन वर्जन, साइन कन्वर्जन जिनको आपको हमेशा माइंड में रखना है जब भी आप स्लोप डिफ्लेक्शन या फिर मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अप्लाई करते हो। कुछ फंडामेंटल्स हैं, उन फंडामेंटल से हमें उसकी रिलेटिव स्टीपनेस और उसकी स्टीपनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए अपन कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को लेके अपन डिस्कस करेंगे। ये आपके एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर ए पॉइंट पर आपका मोमेंट एम एक्ट कर रहा है। अब इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा आपका ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका इस पर मैंने के स्टिफनेस अप्लाइड कर दिया और के स्टिफनेस अप्लाइड करने से ये आपके क्या हो गया फॉर एंड आपका हिंज है, ये भी आपका नियर एंड है, ये भी आपका क्या है हिंज सपोर्टेड। जब आपका हिंज सपोर्टेड होता है तो के की वैल्यू आपकी 3EI/L आती है। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो आपके स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड थी जैसे एम ए वी इक्वल टू 2EI/L 2θAB प्लस θB है, इक्वेशन वन थी। तो यहाँ से एम बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2EI/L θAB प्लस θBA, इक्वेशन दो।
For the joints V, the equilibrium equation MB equal to 0, then theta V equal to minus 1 by 2 into theta AV, जो आपको साइन फिगर सी में आपको दिखाई दे रहा है. Now substitute this equation 1, noting that MAB equal to mu. तो AB की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, mu पुट कर दिया. अब म्यू पुट करने पर आपके जो इक्वेशन थी, तो म्यू इक्वल टू 2EI/L 2θAB माइनस θAB/2, यानी कि आपका म्यू इक्वल टू कितना आ गया, 3EI/L θAB. इफ θAB इज यूनिट देन म्यू इक्वल टू K. आपका जो स्टिफनेस क्या होता है, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन या मूवमेंट पर यूनिट रोटेशन. तो यहाँ पर आपका क्या है, रोटेशन, मूवमेंट पर यूनिट या रोटेशन, यानी कि के इक्वल टू 3EI/L. थीटा की वैल्यू हमने यहाँ क्या कर दी, 1 पुट कर दी. यूनिट पुट करने पर आपका जो के की स्टिफनेस की वैल्यू आ जाएगी 3EI/L. अब 3EI/L कब आइए, जहाँ आपका फार एंड क्या है, हिंज. नेक्स्ट प्रपोजिस फर्स्ट the moment के required to rotate the near end of a prismatic beam through a unit angle, then without translation the far end is freely supported, so k equal to 3EI/L. Now next diagram, आपका जो far end है वहाँ पर क्या है, fix है. यहाँ पर मैंने mu dash applied कर दिया और यहाँ पर मैंने mu मोमेंट अप्लाइड कर दिया. इसके लिए जो मेरे स्लोप रिफ्लेक्शन इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, MAB इक्वल टू म्यू 2EI/L 2θAB प्लस 0, बिकॉज थीटा V इक्वल टू क्या है आपका, फिक्स एंड है, फिक्स एंड पर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0. देन MBA की वैल्यू आपके थीटा V की वैल्यू आपकी 0 है, तो θAB 2EI/L 0 प्लस θAB. इक्वेशन दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 थीटा म्यू इक्वल टू 4EI/L इनटू θAB. देन θAB आपका क्या है, यूनिट, तो आपका 4EI/L क्या हो जाएगा, स्टिफनेस. देन θAB इक्वल टू क्या है, म्यू एल अपॉन 4EI. सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं θAB इक्वल टू, तो आपके म्यू डैश है वो कितना आएगा, 1/2 इंटू म्यू, यानी कि म्यू डैश आपका हो गया हाफ, यानी कि आपका यहाँ पर आपने मोमेंट म्यू अप्लाइड किया है, तो फिक्स एंड पर जो मोमेंट ट्रांसफर होगा वो हाफ मोमेंट आपका ट्रांसफर होगा, किस पर, फिक्स एंड पर. और आपकी स्टिफनेस होगी वो कितनी हो जाएगी, 4EI/L. तो ये तो था आपका फार एंड फिक्स और फार एंड हिंज. और यदि फार एंड फ्री है तो फ्री के लिए आपको क्या होता है, वो 0. अब कई सेवरल पॉइंट्स हैं वो एक पॉइंट पर आके कनेक्टेड हो जाते हैं, जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, OA, OB, OC, OD. आपके D और B क्या है, आपके फिक्स सपोर्ट हैं, और A और C आपके क्या हैं, हिंज सपोर्ट हैं. अब यहाँ पर मूवमेंट M अप्लाइड कर रहा है, तो A O पॉइंट पर जो मूवमेंट की वैल्यू होगी, समेशन, वो क्या होगा, समेशन ऑफ मूवमेंट म्यू. इसके लिए अपन बहुत सारे जो मेंबर्स हैं एक पॉइंट पर रिजिडली कनेक्टेड हैं, अब जो मूवमेंट है वो मूवमेंट हर एक पर जो मूवमेंट आ रहा है वो अपने फिक्स एंड या हिंज या रोलर एंड से या फ्री एंड है उसको ट्रांसफर करेगा. ट्रांसफर करने के लिए आप सबसे पहले जो टोटल म्यू इक्वल टू क्या है, μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4, और ये डिपेंड करेगा जो मैग्नीट्यूड है मोमेंट्स का वो आपके स्टिफनेस पर. तो μ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3EI/L इंटू थीटा, क्योंकि इसका जो लेंथ है वो आपकी हर एक मेंबर की डिफरेंट डिफरेंट लेंथ है और डिफरेंट डिफरेंट है आपकी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो यहाँ से आपका μ1, μ2, μ3 एंड μ4 ये सब किस में जाएंगे. अब μ3 आपका कितना है, 3E3I/L3, बिकॉज 3 क्यों आया, यहाँ पर आपका जो फार एंड है वो फार एंड क्या है आपका, देखिए C पॉइंट पर फार एंड है आपका
हिंज सपोर्ट, और हिंज सपोर्ट यदि फार एंड पर है तो वहां पर आपका कितना होता है 3i/L। तो यहां से अपन v1 v2 सबकी वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रॉम k1 k2 एंड k4 आर द स्टिफनेस ऑफ द मेंबर OA OB OC एंड OD। तो आपके जो μ1 μ2 μ4 है इसके रेस्पेक्टिव में आपके जो स्टिफनेस आएगी k1 k2 k3 और k4 वो आप इजीली निकाल सकते हो। बट जब आपको उस जॉइंट के अबाउट हर एक की रिलेटिव स्टिफनेस निकालनी है तो रिलेटिव स्टिफनेस निकालने के लिए सबसे पहले जो टोटल स्टिफनेस है सबमिट करेंगे, और जिस मेंबर की रिलेटिव स्टिफनेस निकालनी है तो उस मेंबर की स्टिफनेस डिवाइडेड बाई टोटल स्टिफनेस, यानी कि μ1 इक्वल टू k1 upon k1 plus k2 plus k3 k4 एंड μ इक्वल टू k1 upon summation of k into μ। तो हर एक मेंबर की अपन रिलेटिव स्टिफनेस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो आपके होगी ए मोमेंट विच टेंड टू रोटेट ए जॉइंट विदाउट ट्रांसलेशन विल बी डिवाइडेड अमंगेस्ट द कनेक्टिंग मेंबर एट द जॉइंट इन ए पोर्शन ऑफ देयर स्टिफनेस। अब देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल अपन सॉल्व करते हैं, उस एग्जांपल से अपन के समझ में आएगा कि कोई भी कंटिन्यूस बीम है उस कंटिन्यूस बीम का अपन एनालिसिस कैसे करते हैं। उसके बाद हम फ्रेम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फ्रेम स्ट्रक्चर का हम एनालिसिस कैसे करते हैं। तो एक एग्जांपल है, कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट ऑफ ए मेंबर OA OB OC एंड OD एज शो इन फिगर बीम अब देखिए जो बीम में अपन को दिखाई दे रहा है एक बीम है कंटिन्यूस ABC, AB स्पान पर 5 किलो न्यूटन का लोड एक्ट कर रहा है और लोड आपका क्या है एसिमेट्रिक है, और BC स्पान पर आपका लोड एक्ट कर रहा है वो क्या है 8 किलो न्यूटन का है और वो आपका क्या है सिमेट्रिक लोड है। अब फर्स्ट स्टेप अपन की क्या होगी जो अपन कैलकुलेट करते थे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के अंदर, सबसे पहले आपका क्या है फिक्स एंड मोमेंट कैलकुलेट करना। फिक्स एंड मोमेंट आपको टिप्स पर होने चाहिए कि आपका एसिमेट्रिक है तब क्या है, आपका UDL है तब क्या है, और आपका UBL है तब क्या है। तो फिक्स एंड मोमेंट को अपन को माइंड में रखना बहुत जरूरी है। MFEB माइनस के WAB स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, W की वैल्यू कितनी है 5 किलो न्यूटन, A की वैल्यू कितनी है 3, EB की वैल्यू कितनी है 2 और L की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर इसको सॉल्व किया तो -2.40 किलो न्यूटन मीटर। ऐसे ही स्पान AB के लिए MFVA तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर और into 2 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर। यहां से आपके जो फिक्स एंड मोमेंट्स की वैल्यू है वो अपन को फिक्स एंड जो मोमेंट्स की वैल्यू है वो अपन आराम से कैलकुलेट करके और जो फॉर्मूले हैं उनको हमेशा अपने माइंड में रखेंगे, जिससे कि आप फिक्स एंड मोमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली अपने जो फॉर्मूले यूज आते हैं फिक्स एंड मोमेंट निकालने के लिए वो आपके एक तो आता है एसिमेट्रिक लोडिंग की कंडीशन में, एक आपके आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आपके क्या होता है WL/8, लेफ्ट साइड का जो फिक्स एंड मूवमेंट है वो माइनस का होगा और राइट साइड का है वो आपका प्लस का होगा। यदि आपको UDL लग रहा है तो WL/12। तो ये तो आपके होता है फिक्स एंड मूवमेंट निकालने के
लिए। अब यदि फिक्स एंड मूवमेंट्स की वैल्यू निकाल ली आपने, इसके बाद में अपन की नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, रिलेटिव स्टिफनेस निकालने के लिए। तो रिलेटिव स्टिफनेस निकालने के लिए अपन को उसकी सबसे पहले स्टिफनेस निकालनी पड़ेगी, एब्सोल्यूट स्टिफनेस। और एब्सोल्यूट स्टिफनेस का आपका जो फॉर्मूला है, एक तो होता है यदि फॉर एंड हिंज है तो 3i/L, फॉर एंड फिक्स है तो 4i/L, ये आपका है रिलेटिव स्टिफनेस निकालने के फॉर्मूले। तो सबसे पहले आपको मेंबर दिए हुए हैं, उन मेंबर्स के आप रिलेटिव स्टिफनेस कैलकुलेट कर लोगे। रिलेटिव स्टिफनेस कैलकुलेट करने के बाद में आपको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी पड़ेगी। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में जो भी आपके फिक्स एंड मोमेंट्स की वैल्यू है, जैसे एम एफ ए बी की वैल्यू आपने फर्स्ट स्टेप में पुट कर दी, -2.0, 2.40, +3.60, -5.0 और +5.00, ये आपका क्या है, फिक्स एंड मोमेंट। अब देखिए आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस अपन कहाँ कर सकते हैं इसको, अनबैलेंस कहाँ पे आपका, यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर आपका मोमेंट्स क्या होना चाहिए, बैलेंस। तो इनका दोनों का समेशन कितना आ रहा है, हम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है आपका, आ रहा है 1.40। और 1.40 को आपकी जो रिलेटिव स्टिफनेस है 0.5, उसमें आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो कितना आ गया 0.70 + 0.70। यहाँ से आपका क्या हो गया, ये फिक्स एंड मोमेंट आपका बैलेंस हो गया। बैलेंस करने के बाद में जो भी आपका यहाँ पर स्टिफनेस है, स्टिफनेस के बाद में आप कैरी ओवर फैक्टर निकालते हैं हर एक जॉइंट्स के लिए। तो आपके जो जॉइंट्स हैं उनके लिए कैरी ओवर फैक्टर निकाल के, कैरी ओवर फैक्टर आप यहाँ पर क्या है कि आपके दोनों साइड में इक्वल इक्वल दे रखा है, तो कैरी ओवर फैक्टर आपका क्या है 0.5, क्योंकि लेंथ भी आपकी सेम है, ई और आई की वैल्यू भी आपकी सेम है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली अपना जो कैरी ओवर फैक्टर है वो 0.5 है। यहाँ से आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कैरी ओवर फैक्टर के अकॉर्डिंग, 0.5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर कितना हो गया 0.35, और यहाँ भी आपका डिस्ट्रीब्यूट कितना हो गया 0.35। तो ये हो गया आपका कैरी ओवर बैलेंस, कैरी ओवर बैलेंस। इसके बाद में यदि मैं इनका सम करता हूँ बी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर और सी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर जो मेरे मूवमेंट की वैल्यू आएगी, तो दो डिजिट के पॉइंट के बाद, दो डिजिट के बाद में आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब तो आपका वो फाइनल बेंडिंग मोमेंट है, वहाँ पर आपका फाइंड आउट हो चुका है। यदि यहाँ पर वैल्यू सेम नहीं आती है तो इस प्रोसेस को आप अनबैलेंस है, तो उसको बैलेंस करके फिर आप क्या करोगे, उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में आप उसको कैरी ओवर कर दोगे, कैरी ओवर करने का प्रोसेस यही रहेगा। तो यहाँ पर आपके वैल्यू आ गई मोमेंट्स की, आपके ए पॉइंट पर एम ए बी इक्वल टू -1.05 और एम बी इक्वल टू 4.30, एम बी सी इक्वल टू -4.30 और एम सी बी इक्वल टू 5.35, ये आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल मोमेंट की वैल्यू। तो ये तो आपका है एफ ई एम, फिक्स एंड मोमेंट्स, ये आपका हो गया बैलेंस मोमेंट। अब इसका जो फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, तो एक तो आपका लोडिंग डायग्राम हो जाएगा डब्ल्यू ए बी अपॉन एल और ये डब्ल्यू एल अपॉन 4, तो यहाँ से आपका 6 आ गया और यहाँ से आपका 10 आ गया, ये तो हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू लोडिंग। अब आपके जो दूसरा डायग्राम है वो किसके बनेगा, फाइनल बेंडिंग मोमेंट। फाइनल मोमेंट्स की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, माइनस के 1.05 और 4.30। तो सबसे पहले माइनस, माइनस लेफ्ट में है तो आपके बीम के ऊपर बनेगा, तो 1.05 आपके कहाँ बन गया, बीम के ऊपर। बी पॉइंट पर आपके राइट साइड में पॉजिटिव है, ऊपर बनेगा, तो आपका 4.30 होगा पॉजिटिव। अब इस बार बी सी के लिए लेफ्ट साइड पर आपके मोमेंट की वैल्यू कितनी है, -4.30, तो ये भी आपका कहाँ बनेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब जो फाइनल बेंडिंग मोमेंट है एम सी बी, उसकी वैल्यू आपके 5.35,
और पॉजिटिव है, पॉजिटिव आपकी राइट साइड में है तो आपके ऊपर बनेगा। तो ये आपका फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ हुआ। ये मेथड आपको कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और क्विकली सॉल्व करने के लिए आपके बहुत ईजी है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।